आज हम देखते हैं गुड़हल को उनके बीजों से कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास गुड़हल के कुछ बीज है, इन बीजों से ही हम इसको ग्रो कराएंगे। वैसे तो गुड़हल को हम सब लोग कटिंग से ही लगाते हैं और ये इजीली से लग जाता है, लेकिन अब बीजों से लगाने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये प्लांट जल्दी से बड़ा हो जाता है। तो आइए, ये मेरे पास गुड़हल के कुछ बीज है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये कहीं पे किसी शॉप पे भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉप पे इसके बीज होते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी ली है, आप नॉर्मल कोई भी मिट्टी ले सकते हो। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल हो तो भी ले सकते हो। आप इस तरीके से ट्रे में उगाना चाहते हो तो भी उगा सकते हो, ज़मीन पे भी उगाया जाता है, या कोई गमले में या पॉट में भी आसानी से इसे लगाया जाता है। तो इस ट्रे में मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार कर ली है। मेरी मिट्टी थोड़ी नमी वाली है, इसमें थोड़ी सी रेत भी मौजूद है, आप अपने हिसाब से मिट्टी ले लीजिए। अब हम इसमें बीज डालेंगे। आपको कितने प्लांट चाहिए, आपके बीज की क्वालिटीज़ क्या है, उस हिसाब से आप बीज डालिए। मुझे यहाँ पे थोड़े से ही इसके प्लांट चाहिए और मेरे बीजों की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब हम इसमें एक एक ही बीज डालेंगे, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। वैसे तो गुड़हल को बीजों से नहीं लगाया जाता है, ज़्यादातर हम कटिंग से ही लगाते हैं, लेकिन इसके बीज से भी ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो अब इसमें ऊपर से हमें कवर कर लेना है, क्योंकि हमारे बीजों को नमी बहुत ही चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऊपर से आप इसको पूरा सा कवर कर लीजिए और उसके बाद इसको पानी दे दीजिए। देखिए, बीज हमारे बिल्कुल भी खुले नहीं रहने चाहिए, वरना ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें हमें पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। आप किस में इसको ग्रो करा रहे हैं उस हिसाब से इसे पानी दीजिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको पानी दे देती हूँ। पानी देने के बाद हम इसकी पूरी अपडेट आपको देंगे, देखते हैं हमें रिज़ल्ट क्या मिला है। उसके बाद आपको अगर इस टाइप से कवर करना है प्लास्टिक से, तो आप कवर भी कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारे बीज है वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं, ये करीबन 15 से 20 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है, देखते हैं हमें रिज़ल्ट क्या मिला है। देखिए, कुछ इस टाइप का मुझे रिज़ल्ट मिला है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सारे के सारे बीज जो हमने डाले थे वो करीबन ग्रो कर ही चुके हैं, एक प्लांट में मुझे ग्रो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इस टाइप के गुड़हल के कुछ प्लांट निकल आए हैं। इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप आसानी से गुड़हल को उनके बीजों से लगा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं।